नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। एयर इंडिया के विमान में बम की अफवाह। एयर इंडिया के कोलकाता से गुवाहाटी जा रहे विमान को बम से उड़ाने की धमकी भरी कॉल अफवाह निकली। जांच के बाद करीब 3 घंटे की देरी से विमान दोपहर बाद 12:45 बजे कोलकाता हवाई अड्डे से उड़ान भरी। एयर इंडिया के एक अधिकारी ने बताया कि उड़ान संख्या AI-729 ने सुरक्षा एजेंसियों से क्लियरेंस मिलने के बाद दोपहर बाद 12:45 बजे 159 यात्रियों के साथ उड़ान भरी। इसका नियत समय सुबह 9:50 था। विराट कोहली और विजेंद्र सिंह ने उड़ी हमले पर रोष जाहिर किया। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली और मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के उड़ी में सैन्य शिविर पर हुए आत्मघाती हमले में सेना के जवानों की शहादत के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। विराट ने हमले की तस्वीर साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा कि यह तस्वीर ऐसी भावनाएं जगाती हैं जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सभी वीरों के लिए जय हिंद। मुक्केबाज विजेंद्र ने ट्विटर पर लिखा कि हमला कर अगर पाकिस्तानियों ने जंग चुनी है तो हमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ट्रंप और क्लिंटन के बीच जुबानी जंग तेज। अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी में बम विस्फोट की घटना के बाद राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन और रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे पर तीखे प्रहार किए। श्रीमती क्लिंटन ने ट्रंप पर इस्लामिक स्टेट की भर्तियों में मदद देने का आरोप लगाया, जबकि ट्रंप ने अपनी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी पर राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने में मदद करने का आरोप लगाया। जापान में तूफान से जनजीवन प्रभावित, सैकड़ों उड़ाने रद्द। जापान का दक्षिण पश्चिमी इलाका शक्तिशाली मालाकास तूफान की चपेट में है। तूफान के कारण भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। जापान के मौसम विभाग ने बताया कि मालाकास तूफान के कारण सैकड़ों उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और परामर्श जारी कर तूफान प्रभावित इलाके में रह रहे लगभग 6 लाख लोगों को वहां से सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा गया है। कांगो में सरकार विरोधी मार्च हिंसक हुआ, 17 लोग मरे। अफ्रीकी देश कांगो में राष्ट्रपति जोसेफ काबिला के खिलाफ हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में 17 लोगों की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने मृतकों की संख्या की पुष्टि करते हुए कांगो के राष्ट्रीय सुरक्षा बलों से संयम बरतने की अपील की है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।